दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है जो अपना स्मार्टफोन लेकर साथ में सोते हैं, और उनमें से भी वो लोग जो अपना स्मार्टफोन अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जब आपको मैं आगे इससे जुड़े नुकसान के बारे में बताऊंगा, तब जाकर कहीं आपको समझ में आएगा कि आप जाने अनजाने कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट टेक चैनल अनिकेत टेक। तो दोस्तों आज की वीडियो में ऐसी चीज को लेकर बात करने वाला हूं आपसे। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। दोस्तों जब आप अपना स्मार्टफोन अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो उससे जो किरणें निकलती हैं, जो रेडिएशन होता है उसका उसके जरिए जो आपके जो दिमाग की नसें होती हैं उनकी जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो बाधित होती है। इसकी वजह से जब आप सुबह दोस्तों उठते हैं तो आपको आपके सिर पर भारी पंसा महसूस होता है और इसकी वजह से आपको डिप्रेशन भी महसूस होता है दिन में। दोस्तों बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। दोस्तों जो पॉइंट नंबर 2 है वो है DNA स्ट्रक्चर। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप स्मार्टफोन का दिन में इस्तेमाल करते ही हैं। अगर आप सोने जाते हैं तो साथ में लेकर सोते हैं, तो यानी कि आप 24 में से 24 घंटे अपने फोन के संपर्क में आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं इस चीज के कि जो फोन का रेडिएशन है वो आपके DNA स्ट्रक्चर को भी प्रभावित करता है। तो DNA स्ट्रक्चर को अगर आपके प्रभावित करता है दोस्तों, आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी इसका जो स्ट्रक्चर पर बदलाव होगा वो देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है उससे जो खतरा होता है वो ये कि जब आप अपने फोन को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो उससे निकलने वाले रेडिएशन से आपको ब्रेन ट्यूमर, यानी कि आपके जो दिमाग में कहते हैं गांठ हो गई है या फिर कोई अन्य समस्या हो गई, ये एक प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, ये हो सकता है, या फिर आपको कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा खतरा होता है। बात करेंगे अपने आखिरी पॉइंट के बारे में, पॉइंट नंबर 4 के बारे में। जब आप सोते हैं तो आपको एक अच्छी नींद लाने के लिए मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन आपको अच्छी नींद दिलाने के लिए रिलीज होता है आपके ब्रेन से। दोस्तों लेकिन रेडिएशन के चलते वो जो हार्मोन होता है वो कम मात्रा में रिलीज हो पाता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से एक अच्छी क्वालिटी जिसको नींद कहते हैं वो आप नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आप अनिद्रा का शिकार होते हैं। यानी कि आपके शरीर को जितना आराम चाहिए होता है, जितना आपको नींद चाहिए होती है, वो आपको मिल नहीं पाती है, और आप सुबह उठते हैं तो इसकी वजह से आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, तनाव स्ट्रेस हो सकता है। तो दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आप कम से कम फोन का इस्तेमाल करें, और रात को सोते समय आप बिल्कुल ना ही करें तो बेहतर होगा, लेकिन साथ में लेकर अपना फोन कभी भी ना सोए। क्योंकि दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो में जानकारी दी है जो है ये बहुत ही खतरनाक है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, कम से कम फोन का इस्तेमाल करें। दोस्तों आपको अब इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताइएगा जरूर। चैनल पर अगर आप नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग।